विषम घोरं परितप्यमानं रोने लगी है भगवान, ये कैसा दिन मुझे देखना पड़ता। जोर जोर से जब द्रौपदी चिल्लाने लगी, रोने लगी, गांडी को उठा करके अर्जुन आए। अर्जुन ने देखा पांचों पुत्रों के सिर किसी ने काट दी। अर्जुन की पाती भी, तुम रो मत, मैं अभी उस दुष्ट को पकड़कर लाता हूँ। और सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन आज अश्वत्थामा को पकड़ने गए, लेकिन अश्वत्थामा ने भगवान और अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन जलने लगे। भयभीत होकर के अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गो संस्कृते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन डरो मत, गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्रदान की है, अश्वत्थामा को शिक्षा प्रदान की है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को उस ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने की विद्या नहीं सिखाई। तुम फेंकना भी जानते हो और वापस बुलाना भी जानते हो, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और बाद में दोनों को शांत कर दो। अर्जुन ने यही किया और तब अश्वत्थामा को घसीटते हुए अपने शिविर में लाए, द्रौपदी के पास फेंक डाला। कहा, देवी जो तुम कहोगी वही सदा इस दुष्ट को प्रदान करेंगे। अब सोचिए माताओं, जो सच्ची मां होगी वो कैसे किसी पुत्र को मारना चाहेगी। द्रौपदी का हृदय पिघल गया, अपना दुख भूल गई, अपने पुत्रों का बद भूल गई और हृदय में भाव मन आया इस मां का। हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे स्वामी, भले ही अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों का वध किया हो, लेकिन ये गुरु पुत्र है अश्वत्थामा, हमारी गुरु माता अकेली बची हुई है, कृपी द्रोणाचार्य जी की धर्म पत्नी कृपी, अकेली गुरु माता कैसे अपने जीवन यापन करेगी, एक ही पुत्र है, इसलिए हे स्वामी इनको छोड़ दो। भीम को क्रोध आया, बोले, देवी तुम क्या कह रही हो, जिसने हमारे पांच पुत्रों को मार डाला इसको छोड़ दे। बोले, नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं इस दुष्ट को समाप्त कर दूंगा। चरण पकड़ ली द्रौपदी ने। सज्जनों, अर्जुन समझ नहीं पा रहे आखिर करें क्या, तो जब जब अर्जुन फंस जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं और कृष्ण कुछ न कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं। आज जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर देखा तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इस अश्वत्थामा को मार भी दो तो छोड़ भी दो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारहणा मै वो भयमापनातम परिपाय दुशासनम। ब्राह्मण किसी भी अवस्था में बद योग्य नहीं होता। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण का बद किसी भी अवस्था में बहुत बड़ा अपराध है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और बाद में क्या कहा, बोले, जिसने आतताई की हो वो छोड़ने योग्य नहीं।